कन्नौर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र कौशिक का इलेक्शन कैंपेन जोरों पर है। कौशिक लगातार प्रचार अभियान में डटे हुए हैं और रोज हलके के कई गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लिए जरूरी है कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार हो, जिससे हलके में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने में मदद मिलती है। आने वाली 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव है, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव इस प्रदेश की दिशा और दशा को एक नई गति देगा, एक नए आयाम स्थापित करेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो दोनों सरकार डबल इंजन की सरकार मिलकर काम करती है। तब बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, बड़े बड़े काम चलते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे आपकी सब्जी मंडी बन रही हो आपके सामने, चाहे रेल कोच फैक्ट्री बन रही हो, चाहे मारुति बन रही हो खरगोदा के अंदर, चाहे कितने नेशनल हाईवे बन रहे हो, ये सारे काम केंद्र की सरकार करती है। केंद्र की सरकार तब करती है कि उसका राज्य सरकार से तालमेल ठीक हो। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, राज्य का केंद्र का तालमेल बना है, इसलिए आप इस विकास की गति को ना रोकने दें, एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दें। हमारी सरकार ने बहुत काम किए हैं, आयुष्मान कार्ड दिए हैं, राशन दिया है, उजला गैस एजेंसियां दी है, गैस के सिलेंडर दिए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। मुख्यमंत्री को बहुत लंबी फहरिस्त है, 1,60,000 जो हमारे कच्चे कर्मचारी थे उनको पक्का करने का काम हमारी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी जी और नायब सिंह सैनी जी की जोड़ी एक बेहतर काम करना चाहती है, तो मैं आपसे अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि इसको दोबारा आप एक मौका नायब सैनी जी को दें। नायब सैनी जी को दूसरी बार और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनाने का काम करें, मैं ये कहने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ। एक मुझे एक गांव की समस्या पता है, पूरी तरफ जो मकान है उनकी दिक्कत है, हम पहले दिन के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ जो मकान में जो लोगों को दिक्कत हुई है, जो मकान अक्वायर हुए हैं, उन सबको प्लॉट भी मिलेंगे और मकान बनवा कर भी देंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ इस समस्या को हम जरूर दूर करेंगे। पिछली बार आदरणीय प्रदेश कौशिक जी ने, वैन मिनिस्टर ने बहुत कोशिश की थी, मुख्यमंत्री को भी बुलाया था, उसमें जो दिक्कतें हैं जो कमी है उनको दूर करेंगे। तो इस बात की आप बिल्कुल चिंता ना करें, जो हमारी सरकार है उसने फैसला किया है कि मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, गैस का सिलेंडर 500 रुपए का देंगे और हर माता हर बहन हर महिला के खाते में 2100 रुपए हर महीने जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, समय बहुत हो गया, कहने को बहुत बातें हैं और भी वक्ता बैठे हैं, मैं तो आपसे अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आने वाली 5 तारीख को अपना एक एक वोट आप भारतीय जनता पार्टी को दें और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। मैं आपसे एक वादा करता हूं, आपके काम में आपके मान में आपके सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। आप लोग मुझे जानते हैं, मैं आप लोगों के बीच में रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बता दें कि गन्नौर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र कौशिक को भारी जन समर्थन मिलता नजर आ रहा है। 2019 में भी बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी, ऐसे में कौशिक को मिल रहे समर्थन को देखते हुए एक बार फिर यहां कमल खिलता नजर आ रहा है। गन्नौर से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।